मैं अनाथ भटका रे खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, ना रोना कह के मुझे गले लगाया, ना रोना कह के मुझे गले लगाया, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ मैं, धन्य कहता हूँ। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ मैं, धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ मैं, धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हे अब्बा, हे पिता, हे स्वामी, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ आते हैं और हम आपके चरणों में आते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, आपने हमें पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया, भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा और आपके चरणों में आने के लिए मौका दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम भले चंगे हैं, आज हम स्वस्थ हैं, क्योंकि आपने हमारी रक्षा की, आपने हमें बचाया और हमारे जीवन में एक नया समय, नया फोर, नई जागृति हमें दी। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, एक नया जीवन दिया प्रभु। कई लोग नाश हो गए, मिट गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए, लेकिन प्रभु आपकी दया ने, आपके महाकरुणा के फल ने बचाया, रक्षा किया। इस बात के लिए खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आप जितने भी इस समय में प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। हमारे जीवन में एक नई सुबह जोड़ा है, नया दिन दिया है, उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की जय जयकार करें। सचमुच में मेरे प्रियो, जब हमने आराधना में ये जो गीत गाया है, हम अनाथ थे, भटके हुए थे, खोए हुए थे, हमारा कोई नहीं था, लेकिन सचमुच में पिता परमेश्वर ने हमें अपने गले से, अपने सीने से लगाया और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तेरा प्रभु हूं, तू मेरा साथी है और मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मत घबराओ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में हम सचमुच में भटके हुए थे, तकलीफ में थे, अनाथ थे, हमारा कोई नहीं था, हमारी सुनने का कोई नहीं था, हमारे सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमारी पुकार को सुना। प्रेज द लॉर्ड। हम भटके हुए थे, हम किसी के हाथों की कठपुतली थी, हम किसी के हाथों के द्वारा धोखा खाए हुए थे, हम किसी के जरिए तकलीफ में थे, लेकिन प्रभु की दया ने, प्रभु की महाकरुणा के फल ने हमें उन तकलीफों से, बीमारी से, गरीबी से, अनाथपन से उभारा, निकाला और अपने सीने से लगाया। और आज हम उसे हे अब्बा, हे पिता करके पुकार सकते मेरे प्रियों। प्रेज द लॉर्ड।
आज हम दासत्व के घर में नहीं है, आज हमें प्रभु ने अपने घर में बुलाया है, स्वतंत्रता का घर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम अभी भी दासत्व में नहीं है, हम अभी खुदा के चरणों में है मेरे प्रियो। लेकिन आज भी कई लोग दासत्व के घर में हैं, उन्हें छुड़ाना और उनके लिए प्रार्थना करना हमारा काम है मेरे प्रियो। इसलिए मजबूत हो जाइए, दृढ़ हो जाइए। आज हम अकेले नहीं हैं, आज हमारे साथ हमारा खुदा है। उसने खुद कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहोशू से प्रभु परमेश्वर कहते हैं, तेरा मन कच्चा ना हो, तू हियावान दृढ़ हो जा, क्योंकि जहां कहीं जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग हो लेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार प्रभु मुझसे और आपसे कहते हैं, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। राबा शंदा राबा रीखा नाला राथी नाला रा रा बाबा शंदा रा दाबा बाबा नाला राबा। परमेश्वर पिता, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज पिता परमेश्वर उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु, उन्हें छू लीजिए, आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आपके अभिषेक से भर दीजिए, आपकी ताकत से भर दीजिए, क्योंकि आप उनकी ताकत हैं, आप हमारे बल हैं, हमारी सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, विशेष करके आज उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो भटक रहे हैं, जो पिता परमेश्वर अंधकार की शक्तियों में है, शैतान की योजनाओं में है, उनके जालों में फंसे हुए हैं। प्रभु कई लोग तुझे नहीं जानते प्रभु, नर्क की ओर जा रहे हैं, पाप की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु उन्हें छुड़ा ले, छुड़ा ले, छुड़ा ले, छुड़ा ले। खुदा यीशु के नाम से हर एक अंधकार के जाल फटने पाए, शैतान की योजनाएं फेल होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर ने छुड़ा ले, नर्क की आंख से बचा ले। प्रभु धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, उन अनाथ और विधवाओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका रक्षक आप है, उन्हें अपने सीने से लगा ले खुदा, अपने हाथों में ले ले खुदा, अपने हाथों में ले ले पिता यीशु मसीह, आप उनकी रक्षा करें। अनाथ और विधवाओं का स्वामी आप है, अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप है यीशु मसीह, आप उनकी सुधि लीजिए, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए खुदा। पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो गरीब हैं, तकलीफ में हैं, उनका कोई सहायक नहीं है, कर्ज में दबे हैं, अंधकार की शक्तियों से दबे हैं। प्रभु यीशु के नाम से आज छुटकारा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से गरीबी, तकलीफें, कमजोरी, कष्ट पड़ाए यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से सब प्रकार के अंधकार की शक्ति जलकर भस्म हो जाए, शैतान की योजनाएं जलकर भस्म हो जाए यीशु के नाम से। गरीबी खत्म हो जाए, कर्ज खत्म हो जाए यीशु के नाम से। तू उनका सहारा है, आप उनके सहारा है खुदा। प्रभु जिनके पास कोई जॉब नहीं है, उनकी चिंताओं को दूर करें, चिंताओं को दूर करें यीशु, उनकी गरीबी को खत्म करें। पिता परमेश्वर, उनको जॉब दीजिए प्रभु, जॉब दीजिए प्रभु, एक अच्छी जॉब मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक अच्छा कार्य मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, उन्हें पास कीजिए प्रभु। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, जितने भी जॉब करो उनका प्रमोशन हो, प्रमोशन हो परमेश्वर, समय समय पर उनका प्रमोशन हो, समय समय पर उनका पेमेंट मिलने के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, उन प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं जो बिजनेस करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनका दिन प्रतिदिन बिजनेस बढ़ता जाए, दिन प्रतिदिन बिजनेस बढ़ता जाए प्रभु। उनकी चिंताएं खत्म हो जाए, उनकी चिंताएं खत्म हो जाए प्रभु, उनकी गरीबी खत्म हो जाए, उनके कर्ज खत्म हो जाए। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दे, छोटे से लेकर जितने भी जवान बच्चे हैं प्रभु, उन्हें अभिषेक से भर दे, उनका सुनहरा भविष्य होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। कोई भी बच्चे पिता परमेश्वर गलत संगति में ना रहे, बल्कि पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में, आपके संगति में चलने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनको नर्क की आग से बचाना खुदा। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज तकलीफ में, बीमारी के हालत में है प्रभु, तो उनकी
ऊपर रहम कर उनका उनके ऊपर आपका अदृश्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए और उन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। कैंसर की बीमारी, बवासीर की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी, थायराइड की बीमारी, ओ पिता परमेश्वर, शुगर और टीबी, बवासीर की बीमारी, पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु। चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें चंगाई दीजिए, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई दीजिए, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें छू लीजिए और सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, सब प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, सब प्रकार की तकलीफें यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए खुदा। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना, उन्हें उठाकर खड़ा कर, उन्हें उठाकर खड़ा कर चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। पिता कई ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो कई सालों से बेड पर हैं प्रभु, उठ नहीं पाते, प्रभु यीशु के नाम में चंगाई दे, उनकी किडनियां सही हो जाए, उनके लीवर, उनके फेफड़े सही हो जाए, उनकी रीढ़ की हड्डी सही हो जाए, प्रभु चंगाई दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, अभिषेक से भर दे यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा आपने प्रार्थनाओं को सुना, पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते। उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करते जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, आए दिन पिता परमेश्वर क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, प्रभु यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा करने वालों के जीवन को बदल दे, वाद विवाद करने वालों के जीवन को बदल दे, नशा करने वालों के जीवन को बदल दे, प्रभु यीशु के नाम से घर परिवार में शांति रहे, घर परिवार में से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। और विशेष करके उन पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करते जो आज अलग अलग है प्रभु, लड़ाई झगड़े के वजह से पिता परमेश्वर कई प्रकार के बातों के वजह से आज जो अलग अलग है प्रभु यीशु के नाम से, वो एक साथ रहे, एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे के संग मिलकर आओ पिता परमेश्वर, परिवार के संग मिलकर प्रभु आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें यीशु के नाम से। हम तेरे ही हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी जवान हो चुके हैं उन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनका विवाह समय पर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सब प्रकार की बाधाएं और रुकावट खत्म हो प्रभु यीशु, उनकी तू प्रार्थना सुन ले प्रभु यीशु के नाम से। जितने भी तेरे दास और दासी हैं प्रभु, उन्हें हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ की आत्मा दे, पवित्र आत्मा से भर दे, तेरी सेवकाई में ऊंचा उठा प्रभु, सब प्रकार के विरोधों को दूर कर, सब प्रकार के पिता परमेश्वर तकलीफों को दूर कर और पिता परमेश्वर तुझ में लगातार आगे बढ़े, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे और दुनिया के कोने कोने में आपके गवाह ठहराए जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी पिता परमेश्वर कोर्ट कचहरी में फंसे हैं प्रभु, चाहे किसी भी प्रकार का कोर्ट केस हो क्यों ना हो प्रभु, यीशु के नाम से तू उनकी मदद कर, सहायता कर और उन्हें सब प्रकार के कोर्ट के केस से बाहर निकाल। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन कोर्ट के केस में फंसे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें निकाल प्रभु, बाहर निकाल प्रभु, कोर्ट के केस से रफा दफा हो जाए, खत्म हो जाए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन घर बना रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, घर बनाने के लिए तू सहायता और मदद कर, प्रबंध और व्यवस्था कर। और जिन भाई बहनों के पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से उसके लिए भी प्रबंध और व्यवस्था कर प्रभु, आशीष कर। और आने वाले दिनों में पिता उनका खुद का घर हो, खुद का मकान हो प्रभु, खुद की प्रॉपर्टी हो खुदा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर पिता। जितने भी भट्ट रहे दरबदर में पिता परमेश्वर, उनको तू आशीषित कर और पिता परमेश्वर ने ऊंचा उठा प्रभु। जितने भी लोग गरीब हैं, जितने भी लोग तकलीफ में, आज जितने भी परेशानी में हैं, उनकी परेशानी आज खत्म हो जाए, तकलीफें खत्म हो जाए, चिंताएं खत्म हो जाए यीशु के नाम से प्रभु, उन्हें उठा कर खड़ा कर खुदा। जितने भी आज आईसीयू में, हॉस्पिटल में है, कोमा में है, ऑपरेशन थिएटर में, उन्हें उठा कर खड़ा कर, चंगाई दे, छंगाई दे परमेश्वर पिता। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सभी प्रिय भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करें परमेश्वर पिता। और जितने भी पिता परमेश्वर विश्वास में कम है प्रभु, उनके विश्वास को तू बढ़ाइए प्रभु, उन्हें आत्मिक उन्नति दे प्रभु, आत्मिक दान वरदानों से भर दे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को तेरे ही हाथों में देते चुने, हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमेन। मेरे प्रिय प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय प्रभु आपके साथ है और आपकी रक्षा करते हैं, आपके साथ रहते हैं, जहां कहीं आप जाते हैं वहां आपका खुदा आपके साथ रहते हैं। इसलिए विश्वास में आगे बढ़े, प्रार्थनाओं में आगे बढ़े।
प्रभु आप सभी को बहुत अच्छे आशीष दे। सबको जय मसीह की।